स्वागत है देखते आज की खास खबर। इस देश में बंद हो जाएंगी जेलें, नहीं है एक भी अपराधी, हजारों की नौकरी खतरे में। दुनिया के हर देश में अपराध तेजी से बढ़ रहा है। कई देशों में तो अपराध इस हद तक बढ़ गया है कि अपराधी ज्यादा है और जेल में जगह नहीं है। लेकिन यूरोप का एक देश ऐसा है जहाँ एक भी कैदी नहीं बचा है। इसकी वजह से यहाँ जेलों को बंद करने का फैसला लिया गया। ये सुनकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह सच है। धरती पर एक ऐसा देश है जहाँ की जेलें खाली पड़ी है। आपको बता दें कि ये देश पश्चिमी यूरोप का एक देश है, जहाँ घटते अपराध की दर के कारण वहाँ की जेलें बंद होने की कगार पर है। दरअसल नीदरलैंड में अपराध कम हो गए, यहाँ एक भी कैदी नहीं बचा है। हालांकि जेल बंद होने से कई लोगों को झटका भी लगा है। जेल में करीब 2000 लोग काम करते हैं। जेल बंद होने के फैसले से इन लोगों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। नीदरलैंड की आबादी 1,71,32,000 से भी ज्यादा है। हैरानी की बात तो यह है कि नीदरलैंड के पास सलाखों के पीछे डालने के लिए कोई अपराधी नहीं है। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में इस देश में केवल 19 कैदी थे। 2018 में यहाँ कोई कैदी नहीं था। यहाँ की जेलें सुनसान पड़ी थी। 2016 में टेलीग्राफी यूके के प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार नीदरलैंड के न्याय मंत्रालय ने सुझाव दिया था कि अगले 5 सालों में यहाँ हर साल कुछ अपराध में 0.9% की गिरावट आएगी। हालांकि नीदरलैंड की जेलें बंद होने पर दो तरह से बड़े महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो घटते अपराध दर यानी सुरक्षित देश, लेकिन रोजगार के नजरिए से देखें तो जेल में काम करने वाले बेरोजगार हो जाएंगे। नीदरलैंड सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। जेल के बंद होने से 2000 लोगों की नौकरियां खतरे में है। सरकार ने 700 लोगों को दूसरे विभाग में तबादले का नोटिस दिया है, तो वही 1300 कर्मचारियों के लिए नौकरी ढूंढी जा रही है। नीदरलैंड में जेलें बंद होने का अर्थ ये भी है कि यहाँ एक देश, एक प्रणाली, एक सरकार और नागरिकों के रूप में सफल हुआ है। इस देश में इलेक्ट्रॉनिक एंकल मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कैदियों को पहनाया जाता है। कैदियों को सीमा के अंदर रहने के निर्देश दिए जाते हैं। कैदियों के पैरों में इसे पहनाया जाता है। जैसे कैदी को घर में बंधक रहना पड़ता है, अगर वो बाहर निकलता है तो उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है। ये डिवाइस एक रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल भेजता है और पुलिस को इसकी सूचना मिल जाती है। इस सिस्टम से आपराधिक दर कम हो गया है और जेल बंद करने का फैसला लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एंकल मॉनिटरिंग सिस्टम देश में आपराधिक दर को आधा करने में सक्षम रही है। वहाँ पर कैदियों को दिन भर बंद कर बैठाने के बजाय काम करने और सिस्टम में वापस लाने के लिए कहा जाता है। तो एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इसी